आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। अभी हाल ही फिलहाल में मनाली हिल स्टेशन से बहुत सारी ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही थी जिसका बहुत ही ज़्यादा आलोचना किया जा रहा था। आलम ऐसा था कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ जमी हो गई थी जिसके बाद होटल्स में बेड मिलने भी मुश्किल हो रहे थे। आपको बता दें कि उसके बाद इस वक्त एक और वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल होते नज़र आ रहा है जिसमें धर्मशाला की एक भीड़ भाड़ वाली गली में एक बच्चा लोगों से कुछ कहता हुआ नज़र आ रहा है। यह वीडियो क्यों वायरल हो रही है इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो पर नजर डालने की जरूरत है। तो आइए नजर डालते हैं इस वीडियो पर। तो जैसे कि आप वीडियो में एक छोटे बच्चे को देख रहे हैं, आपको बता दें कि इस बच्चे की पहचान अमित नाम के लड़के के रूप में की गई है। इस बच्चे के हाथ में एक खिलौने वाला आप डंडा देख सकते हैं, प्लास्टिक का। इसके हाथ में एक येलो कलर का डंडा है और इस बच्चे के पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, लेकिन इस बच्चे ने मास्क लगाया हुआ है। और इसके बाद वो वहाँ से, मतलब उस गली से गुजर रहे हर लोग से, हर इंसान से वो यही पूछता हुआ नज़र आ रहा है कि तुम्हारा मास्क कहाँ है, तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया है। और आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जितनी भी भीड़ गई है उसमें से 98% लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो ऐसे में वो बच्चा सबको यही कहता हुआ नज़र आ रहा है कि तुम्हारा मास्क कहाँ है। वही कुछ लोग थे वो उस बच्चे को पुचकार कर चले जा रहे थे, तो वही कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस बच्चे के इस बोलने की वजह से या फिर उसके जो पीले डंडे से वो हल्का हल्का लोगों को टच कर रहा था, इस वजह से वो गुस्से में भी नज़र आया। उसने बच्चे को झकझोर भी दिया। बेचारा बच्चा वहाँ पर खड़ा होकर लोगों को जागरूक करता हुआ नज़र आया। उस बच्चे की पोशाक देख कर साफ समझ में आ रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है। ऐसे में वहाँ जो लोग हैं इस भीड़भाड़ इलाके में भले परिवार से जो है नज़र आ रहे हैं, ऐसे में इस वीडियो ने साफ तौर पर दिखा दिया कि कौन कितना पढ़ा लिखा और शिक्षित है। क्योंकि यहाँ एक छोटा बच्चा है जो लोगों को मास्क के लिए जागरूक करता नज़र आया, तो वहीं लोग जिनको ये पता है कि दूसरी लहर ने किस तरीके से तबाही मचाई और तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी जा रही है, इसके बावजूद लोग इतनी लापरवाही बरतते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी वो बिना मास्क के घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके दिल में कोई भी डर अब नहीं बच गया है। ऐसे में इन पिक्चर्स को देख कर जो है साफ तौर पर समझ आता है कि तीसरी लहर जो है ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा लापरवाही बरतते हुए नज़र आ रहे हैं कि तीसरी अगर लहर का आगाज जो है जल्द देखने को मिल सकता है। क्योंकि लोग जो है अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। लोगों ने पहली लहर देखी, लोगों ने दूसरी लहर देखी, लोगों ने ये तांडव जो है पूरा देखा, ये मौत का जो नाच हुआ लोगों ने पूरा देखा। इसके बावजूद अब तीसरी लहर को चेतावनी दी जा रही है, लेकिन लोग इसको लेकर भी जागरूक नहीं नज़र आ रहे हैं। लोग इसको भी बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में वो वक्त दूर नहीं जब जल्द ही पूरे देश को जो है तो कोरोना की तीसरी लहर से जूझना पड़ेगा। तो ऐसे में वक्त के साथ ही पता चल पाएगा कि लोग आगे चलकर जागरूकता दिखाते हैं या इसी तरीके का आचरण रखते हैं। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी और अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।